गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्रोल गोलू। तो मैं अभी गोलू और ऑक्सी को लेके आ गया हूँ घुमाने। ये बांध दिए यहाँ पे मैंने, और डेली की तरह हमें नील गाय मिल गई अपने ही खेत पर, छोटे वाले भाई। तो वो सामने खड़ी है मेरे और मेरी तरफ ही देख रही हैं। मैंने इसलिए गोलू और ऑक्सी को यहीं पर बांध दिया था, ये मुझे परेशान करेंगे। तो आगे चल के दिखाता हूँ अभी नील गाय कितनी सारी हैं। ये देखो भाई, पूरा झुंड है। ये रही सामने ही खड़े हमारे, ये खड़े पूरा झुंड है। ये कटुआ नहीं मान रहा, इसे चिल्लाए बिना चल नहीं पड़ रहा। देखो बड़ा हरामी हो बेटा। रॉक्सी चुपचाप खड़ी है और ये गटुआ एकदम से ऐसे करता है, तोड़ने को पट्टा वट्टा तोड़ दूँ सीधा बन जाऊँ वहीं पे। तो इन्हें भगा के चलते, नहीं तो ये हमारी सब काम तमाम कर दे। अरे गटुआ काय काय काय, देख देख ज़्यादा उदम कर रहा गटुआ, पटे हुए चुपचाप घर रही ले, मुँह पर कई पंजे मार रहा है, मेरे में लात मार रहा है आगे गटुआ। और देखो कितने सारे झंड खड़ा है पूरा, वो इधर ही देख रहे हैं, गोलू को ही देख रहे हैं। ये देखो देखो सभी का फेस है। देखो ये गटुआ बार बार आके मेरे में लात मार रहा है, मतलब ऐसे मैं पट्टे में से खोल दूँ और ये सीधा जाए इन्हें पकड़ने। शाबाश बेटा, फिर वो इसके दांत तोड़ देंगे सारे मिल के, वैसे तो भाग जाएंगे देखते ही। तो अभी पर ऐसे टोल पे लेके चलता हूँ आगे। तो भाई अभी लेके आ गए टोल पे, टोल पे नहीं मतलब टोल के पास ही लेके आ गए अपने खेत पे। तो ये दोनों थोड़ी देर यहीं घूम लेंगे, और धूप भी थोड़ी तेज़ तेज़ सी निकल रही है अब तो थोड़ी देर यहीं घुमा लूँ। और आज उस साइड तो है नहीं कोई, नहीं उस साइड होता तो फ़ोन आ जाता मेरे पास, उस साइड तो कोई नहीं है। और अपने छोटे वाले खेत पे थे वहाँ से ही बका दिए वो नील गाय जितनी भी थी। तो अभी थोड़ी देर यहीं घुमा लेते हैं और फिर इनको वापस लेके चलूँगा घर पे जल्दी, क्योंकि आज मैं नंगे पैर आया हूँ, बहुत भयंकर ठंड लग रही है। और आज देखो रोड पे वो सामने फिर आ गया वो जर्मन वाला डॉग, वो रहा उधर अब दिखेगा, अभी दिखेगा, अभी वो रुक गया वहीं पे सामने जो भैया खड़े हैं उन्हीं के हाथ में लगा हुआ है। मैं उनसे बोलता हूँ कि अपने डॉग को मिलाओ मेरे गोलू से, तो वो मिलाते नहीं है, वो नहीं अटैक कर देगा। मैंने बोला नहीं सीधा है मेरा गोलू, वो मानते नहीं है क्योंकि पिटबुल है भाई, कुछ पता नहीं मूड का इनका, वो वहीं जम गए पता नहीं क्या हुआ। अब देखेगा अरे वो दिख गया पूरा। तो अभी लेके चलते हैं हम अपने गोलू और ऑक्सी घर पर, थोड़ी देर मस्ती कराऊँ यहीं और फिर लेके चलेंगे। आज कोई यहाँ सांड या नीलगा कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। तो अभी लेके चलता हूँ घर पे इनको। A few moments later. तो भाई अभी हो गई शाम, और शाम को हम आ गए गोलू और ऑक्सी को घुमाने। ये रहे हमारे गोलू और ऑक्सी दोनों, और आज आ गया हमारा अमित जैनी का ओनर। जैनी ने पिल्ले दिए हैं छोटे छोटे, बहुत भयंकर हैं, अभी से बहुत एक्टिव पिल्ले हैं वो, दिखाऊंगा किसी दिन। वो बच्चों की वजह से अटैक कर देती है इसलिए मैं जाता नहीं हूँ वहाँ पर। अगर किसी दिन वो बाहर निकल गई फिर दिखाऊंगा, उसके पिल्ले बहुत तंगड़े हैं अच्छे के, मतलब ब्लैक ब्लैक है, बहुत अच्छे पिल्ले हैं उसके। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी लेके आ गए यहाँ पर घुमाने, तो अभी टूवेल पे लेके चले इन्हें, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा सांड, और टूवेल पे होंगे वहाँ से जाके भगाते उन्हें। तो भाई अभी लेके आ गया गोलू और ऑक्सी को टूवेल पे, यहाँ भी आज मुझे कोई नहीं दिख रहा, आज सुबह भी कोई नहीं मिला, मतलब सांड वगैरह या कोई नील गाय तो सुबह भी कोई नहीं मिला था और अभी भी कोई नहीं है। एक सांड लगा हुआ है उस साइड रोड के साइड जो दूसरे के खेत में, हमारे खेत में नहीं है, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छा थोड़ी देर यहीं घुमा लूँ और फिर रोड वाले रोड से दूसरी साइड जो खेत है हमारा वहाँ चलेंगे, वहाँ देख के आते हैं वहाँ कोई सांड वाड़ या सांड तो नहीं आते वहाँ पे, नील गाय ज़्यादा आती हैं तो उन्हीं को देखने चलेंगे। और ये देखो ये देख रहा है यहाँ कौन आया है, ये नील गाय आया है यहाँ पर। हाँ अपनी मोहर लगा दी गोलू ने। तो अभी थोड़ी देर यहीं मस्ती करा लें इसे और फिर लेके चलेंगे रोड पे। अभी भाई इधर से नील गाय भगाए हैं बहुत सारे, एक तो अभी ये खड़ा है, ये मतलब वो है नर मेल है ये, और फीमेल है वो सामने जो बड़ा पेड़ दिख रहा है उस साइड भाग गई हैं, कम से कम 20 या 25 होंगी, और ये अकेला रह गया है। उधर तार लगे हुए हैं करंट वाले, ये निकल नहीं पा रहा, ये इसी साइड आ रहा था, और इस साइड खड़े हैं हमारे दो सिक्योरिटी गार्ड। ये रे शाबाश, दोनों इसी को देख रहे थे। देखो यहाँ ये टॉयलेट वॉयलेट कर गया नील गाय, तो उसी को देख रहा है, खुशबू ले रहा है कौन कौन आया है कौन कौन गया है, तो वो उधर से इन्हें देख रहा है, ये इधर से उसे देखने लग रहे हैं। तो अभी यहीं थोड़ी देर रुकता हूँ, तब तक ये चला नहीं जाता यहाँ से, बाकी तो कोई नहीं है अपने खेत पर, बाकी मतलब उस दिन की तरह बहुत, उस दिन तो कम 50 थे, आज नहीं है, आज तो ये अकेला रह गया, बाकी सब तो भगा दिए। तो अभी इसे यहाँ से भगा के क्लियर करके जब चलेंगे घर पर।
और ये कर दिया गोलू और ऑक्सी को ओपन। अब देखो फायर दोनों की, और डाल लिया गोलू ऑक्सी को, गटुए ने ऑक्सी को पकड़ ली। देखो मस्ती चल रही है इनकी, अभी इनमें गेहूँ निकल के नहीं आए, गेहूँ बहुत हो गए हैं, निकल के आ जाएंगे फिर इनकी फाइट बंद करवा दूंगा मैं इसमें। ये गटुआ बारह ऑक्सी को दाब लेता है, आगे लेके चले इन्हें। चलो गोलू चलो चलो। ये देखो भाई कल लोग गेहूँ खाने लग गई फिर से, कल लोग की रोटी बंद करनी पड़ेगी, ऐसे गेहूँ खिलाना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखो पीछे जाके छुप गई, मेरे गोलू आगे भाग गया, वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। ये रही कलूटी, कलूटी आ जा। तो ट्यूबवेल भी लेके चले इन्हें, थोड़ी देर ट्यूबवेल पर रख लेंगे, मतलब रोक लेंगे थोड़ी देर, और फिर लेके चलेंगे घर पर। थोड़ी देर यहीं घूम लेंगे, यार ओपन कर दिया है, यहाँ कोई सांड नहीं है, इसलिए अभी थोड़ी देर यही मस्ती कर लेंगे, बाकी कर लो फिर लेके चलूँगा घर पे इनको। तो भाई अभी मैं लेके आ गया ना घर पे, हाँ तो ये थोड़ा टाइम से लेके आ गया, तो पर मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये देखो कल्लो रानी क्या करने पे लगे पड़े दोनों ही, गोलू का रखा है टायर, उसी को लग रहा देखो ढूंढने। बोलू बोलू का खो गो गटुए, यहाँ गटुए पे चमक आ गई, साइनिंग आ गई गोलू के मुंह पर। कल्लो रानी लाइट में भी नहीं दिखती ये तो। तो आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं अपनी कल्लो रानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।